नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत दिल्ली शहर से होती है, जो कि एक रशियन माँ बेटी दिल्ली शहर में घूमने आती है। दोस्तों सफर के दौरान एक बिहारी ऑटो ड्राइवर से प्यार हो जाता है। दोस्तों बिहारी ऑटो ड्राइवर के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि रशियन लड़की ऑटो ड्राइवर से शादी तक कर लेती है। दोस्तों इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों इस घटना को, इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दिल्ली शहर में एक विदेशी लड़की अपने माँ के साथ घूमने आती है। दोनों माँ बेटी दिल्ली शहर में आने के बाद शहर घूमने के लिए एक ऑटो बुक करती है। दोस्तों ऑटो वाला का नाम राजू होता है। राजू अपने ऑटो में दोनों विदेशी माँ बेटी को बैठाता है और फिर उसे दिल्ली शहर सैर कराने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों सफर के दौरान विदेशी लड़की राजू से बातचीत करने लगते हैं और दिल्ली के अलग अलग जगहों के बारे में पूछने लगते हैं। राजू उससे बातचीत अच्छे तरीके से कर रहे थे और दोनों को इंडिया के बारे में और इंडिया के अलग अलग टूरिज्म पैलेस के बारे में बताने लगते हैं। दोस्तों राजू के बातचीत करने का अंदाज और तरीका दोनों विदेशी माँ बेटी को पसंद आ रहा था। दोनों विदेशी माँ बेटी राजू के निजी जिंदगी के बारे में भी बातें करने लगते हैं, पूछने लगते हैं। दोस्तों पूछते हैं कि इतनी मेहनत करते हो, कितना कमा लेते हो। फिर राजू बताते हैं कि बस इतना कमा लेता हूँ कि अपना फैमिली अच्छे से चल जाता है। दोस्तों दिन भर दिल्ली घूमने के बाद दोनों विदेशी माँ बेटी को होटल तक छोड़ आते हैं। दोस्तों होटल से राजू आने लगते हैं तो विदेशी लड़की बोलती है, तुम अपना नंबर मुझे दे दो, फिर कल किसी और जगह घूमने जाएंगे, मैं आपको कॉल कर लूंगा। दोस्तों उसके बाद विदेशी लड़की उसको दिन भर का किराया दे देते हैं, फिर राजू वहां से अपने कमरे चल जाते हैं। दोस्तों फिर दूसरे दिन लड़की कॉल करती है और राजू को होटल बुलाती है और फिर राजू होटल से रिसीव करके उसे दिल्ली के सैर कराने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों लगातार कई दिनों तक दोनों विदेशी माँ बेटी राजू के ऑटो से सफर करते हैं और इसी सफर के दौरान राजू से विदेशी लड़की को प्यार हो जाता है। राजू हैंडसम और स्मार्ट था और लड़की भी ब्यूटीफुल थी। दोस्तों कुछ ही दिनों में राजू के प्यार में पागल हो गई थी और राजू के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। दोनों इस दौरान अलग अलग होटलों में जाकर उसके साथ संबंध बनाते हैं और वह हर काम करते हैं जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दोस्तों लगभग राजू एक महीने तक विदेशी लड़की के साथ खूब मजे किए। लड़की बदले में किराया भी देते थे ऑटो का और साथ में मजा भी देते थे। दोस्तों यह सिलसिला लगभग विदेशी लड़की के साथ एक महीने तक चला। उसके बाद विदेशी लड़की दिल्ली शहर से अपने देश जाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। दोस्तों राजू को भी प्यार हो गया था। जब जाने लगी तो राजू भी उदास हो गया था, बल्कि कर भी क्या सकता था, क्योंकि अपने देश का तो थी नहीं कि जब मन करे तब बात कर लेते, मिल लेते, लेकिन विदेशी है तो फिर मुलाकात होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए लड़की भी उदास थी और लड़का भी राजू उदास था। दोस्तों इसके बाद लड़की अपने देश चली जाती है, लेकिन राजू से बात करना नहीं छोड़ती है। वहां जाने के बाद भी राजू से वीडियो कॉल के जरिए हमेशा बातें करते रहती थी। राजू के मेहनत और स्वभाव से विदेशी लड़की की माँ भी प्रभावित था, वह भी उसके साथ वीडियो कॉल के जरिए बातें करती थी। दोस्तों यह सिलसिला लगभग साल भर तक चला। उसके बाद लड़की अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं इंडियन लड़का राजू से शादी करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राजू से ऑटो वाले से शादी कर लूंगी। दोस्तों उसकी माँ भी तैयार हो जाती है शादी के लिए राजू के साथ और फिर दोनों इंडिया आ जाते हैं। दोस्तों इंडिया आने के बाद राजू को कॉल करते हैं, राजू से मिलते हैं और उसके बाद हंसी खुशी से राजू से विदेशी लड़की शादी कर लेती है। दोस्तों शादी के बाद दोनों की चर्चा पूरे देश भर में होने लगते हैं, हर सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड करने लगता है। दोस्तों इसके बाद राजू के घर वाले को भी इसके बारे में पता चलता है। इसके बाद घर वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर वाले को यकीन ही नहीं हो रहा होता है, लेकिन यह खबर तो सच थी। दोस्तों राजू रशियन लड़की को लेकर घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसका स्वागत धूमधाम से होता है और आज रशियन लड़की के साथ अपना जीवन बिता रहा है। दोस्तों इस सच्ची घटना की कहानी पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को, इस घटना को, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले घटना, अगले खबर, अगले कहानी के साथ। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
ताकि सारी अपडेट सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच।